अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों के हित को लेकर भाजपा सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनको लाभान्वित किया जा रहा है। यही कारण है कि हर रोज व्यापारियों का तबका भाजपा में शामिल होता दिखाई दे रहा है। मंत्री ने बताया कि लगातार जिले व मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। अलग अलग जिलों में जाकर आबकारी भाग की नीतियों को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो लोग आबकारी नीतियों के विपरीत जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कठिन कार्रवाई के आदेश आबकारी मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। अलीगढ़ में ओडीओपी में ताला उद्योग को भी रखा गया है और ऐसे ही हर 75 जनपदों में जहां जहां जिस चीज की जो चीज फेमस है उन चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस ओडीओपी की शुरुआत करी थी कि केवल वहाँ का ये उद्योग बढ़े, आगे बढ़े और मजबूत हो। तो हमारी सरकार ने ओडीओपी के माध्यम से इस उद्योग को मजबूत तो किया ही है, साथ ही साथ अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो लगातार एक्सपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं और अन्य तरीके की सुविधाएं जो MSME सेक्टर को दी जा रही है सरकार लगातार उसको दे रही है। सरकार उद्योगों के साथ है, सरकार उन सब चाहे वो छोटे उद्योग हो, मझोले उद्योग हो, उन सभी को मजबूत करने के लिए सरकार आगे कदम बढ़ा रही है।